guys, follow me on Instagram. The username has changed from Abhinav Fitness to Abhinav Mahajan Life. And make sure to subscribe to the channel. लाल बटन में क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए. मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, लेकिन हम फिट होना चाहते हैं, हम फैट लॉस करना चाहते हैं, हम अपनी चर्बी कम करना चाहते हैं. तो प्रॉब्लम जब आती है ना लाइफ में तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए उसका. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने लिए 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकता अपनी सेहत के ऊपर. तो आपकी सभी एक्सक्यूज को ख़त्म करने वाले हम इस वीडियो में. इस वीडियो में बताने वाला आपको दो बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक होम वर्कआउट्स फॉर फैट लॉस. जो पहला वर्कआउट मैं बताने वाला हूँ वो कंप्लीट बॉडी वेट के साथ होने वाला है, किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. और जो दूसरा वर्कआउट बताने वाला हूँ आपको, उसमें आप यूज़ करने वाले हैं सिर्फ दो डंबल्स और एक बैंड. वैरायटी भी है, फंक्शनैलिटी भी है, और आपको ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की वजह से आपको फैट लॉस के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज पे. जो पहला वर्कआउट है वो है बॉडी वेट वर्कआउट. इसमें हम 5 एक्सरसाइज लगाने वाले हैं. हर एक एक्सरसाइज को आपने 20 सेकंड के लिए लगाना है. पहली एक्सरसाइज लगाएंगे 20 सेकंड के लिए, उसके बाद आप रेस्ट लेने वाले हैं 10 सेकंड का, उसके बाद फिर से 20 सेकंड, 10 सेकंड रेस्ट, 20 सेकंड. इसी तरह करते करते आपने वो सभी 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. एक बार आपने 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, आपने 1 मिनट का रेस्ट लेना है और उसके बाद फिर से रिज्यूम करना है. जब आप सभी एक्सरसाइज को एक बार कंप्लीट कर लेंगे उसको बोलेंगे 1 राउंड, और आपने 4 से 5 राउंड लगाने हैं. तो आपको टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 15 मिनट करने की ज़रूरत है इस पूरे वर्कआउट को. और ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है आपको फैट लॉस के सभी बेनिफिट्स देने वाली है. जो इस वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारे पास होगी जंपिंग स्क्वाट्स. तो जंपिंग स्क्वाट्स जो है आपके थाइज, आपके हैम्स, आपके ग्लूट्स और आपके काव्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी. सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास सुपरमैन पुशअप्स. अब सुपरमैन पुशअप्स जो है आपके चेस्ट, आपके शोल्डर्स, आपके ट्राइसेप्स और आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके कोर और आपके ऑब्लिक्स हैं इसको भी हिट करेगी. जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारे पास है स्केट हॉप्स. स्केट हॉप्स जो है आपके बेसिकली ग्लूट्स और आपके जो हैम्स हैं इन पे ज़्यादा असर करेगी. जो आपके साइड ग्लूट्स होते हैं ग्लूटस मीडियस, और जो आपके मिडिल ग्लूट्स होते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, तो इनके ऊपर आपकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी. और इसमें और क्या आपका एडेड बेनिफिट है कि आप इसमें बैलेंसिंग भी इम्प्रूव करेंगे अपनी पूरी बॉडी की. जो हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी इंचवॉर्म. इंचवॉर्म आपके शोल्डर्स और आपकी बैक दोनों के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, और आपके जो शोल्डर हेल्थ है, आपके जो रोटेटर कफ्स हैं, आपके जो चेस्ट के आपके जो पेक्स हैं उनके ऊपर इफेक्टिव होगी. जो लास्ट और जो हमारी फिनिशर मूव होगी वो होगी हमारे जैक नाइफ क्रंचेस. अब जैक नाइफ क्रंचेस जो आपके सीधा एब्स या आपके कोर के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं. तो जैसा आपने देखा ये पूरा जो वर्कआउट है, इस वर्कआउट में ना ही हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं बट इन एक्सरसाइज में आपकी फंक्शनैलिटी भी है, हर तरह की मूवमेंट है, हर बॉडी पार्ट को हिट किया जा रहा है. और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इस एक्सरसाइज को लगाएंगे तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ अपना फैट लॉस कर सकते हैं. तो ये था हमारा पहला वर्कआउट. अब चलते हैं हम दूसरे वर्कआउट की तरफ. अब बारी आती है हमारे सेकेंड वर्कआउट की, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है. आपको एक पेयर ऑफ डंबल्स चाहिए और एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए. रेजिस्टेंस बैंड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस वर्कआउट में आपको वैरायटी बहुत तरह की मिलेगी और आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स हिट हो सकते हैं जो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज से नहीं हिट हो पाते हैं. और इस वर्कआउट में भी हम 5 एक्सरसाइज इंक्लूड करने वाले हैं. सबसे पहली जो एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली गॉबलेट स्क्वाट्स. ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके थाइज और आपकी लोअर बॉडी को हिट करेगी विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन योर लोअर बैक. सेकेंड जो एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारी होने वाली है पुशअप्स टू रेनेगेड रोज. तो इसमें आप अपने चेस्ट को, अपनी बैक और आपके कोर को ट्रेन करेंगे. थर्ड जो एक्सरसाइज आपके पास होगी वो होगी आपकी डंबल लंजेस विद बाइसेप कर्ल्स. तो इस जैसा मैंने बोला इसमें वैरायटी ज़्यादा है, तो आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स प्लस आपके बाइसेप्स हैं हिट होंगे इसमें. फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है थ्रस्टर्स विद द रेजिस्टेंस बैंड्स. जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपकी पूरी लोअर बॉडी एंड आपके शोल्डर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं. आप इनको ट्रेन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए. लास्ट एक्सरसाइज आपके कोर और एब्स के लिए, जिसको हम बोलेंगे वेटेड एब क्रंचेस. वेरी सिंपल एक्सरसाइज लेकिन वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रेनिंग योर एब्स एंड कोर. तो फिर से जैसे हमने बताया इसको लगाना किस तरह है, हर एक एक्सरसाइज को 20 सेकंड्स के लिए लगाएं
उसके बाद 10 सेकंड्स का रेस्ट लेना है हर एक एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे 20 सेकंड्स लगानी है, 10 सेकंड का रेस्ट, इस तरह पांचों एक्सरसाइज को लगाएंगे 20-20 सेकंड्स के लिए, बीच में 10-10 सेकंड का रेस्ट, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक राउंड। 4 से 5 राउंड लगाने हैं, 13 से 15 मिनट में आपका पूरा वर्कआउट खत्म, और आपको सांस नहीं आएगी, आप धूल चाट रहे होंगे, और यू विल बी थैंकिंग मी आफ्टर 1 मंथ कि आपका जो फैट लॉस है बहुत ही इमेंस हुआ है। तो ये जो वर्कआउट है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं या आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, टाइम कम है, तो ऑल दीज एक्सरसाइज मेक एन ग्रेट वर्कआउट। अब जब हमने सारी एक्सरसाइज समझ ली हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इन सभी एक्सरसाइज को लगाना है 1 by 1, और किस तरह अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो जो अभी मैं लगाऊंगा ये पूरा एक राउंड होगा, तो आपने इस तरह के 4 से 5 राउंड लगाने हैं जिसमें आपको 13 से 15 मिनट लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब करके देखने की बारी है, एंड आई कैन प्रॉमिस कि अगर आप इस वर्कआउट को करते रहेंगे तो आपके जो हार्ट रेट है और आपकी जो इंटेंसिटी है वो एक नई लेवल पे पहुंचेगी, आपका जो फैट लॉस है बहुत सही होने वाला है। तो आई होप आपको नया कुछ सीखने को मिला। नो मोर एक्सक्यूजेस कि हमारे पास जिम नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, हम ट्रैवल करते हैं। बॉडी वेट या इक्विपमेंट दोनों के वर्कआउट्स मैंने बता दिए हैं, कीजिए, रिजल्ट्स लाइए, और नीचे कमेंट डाउन कीजिए आपको किस तरह लगी वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाल बटन में क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगी। कोई सजेशन है वीडियो के लिए प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई एम गोना सी यू वेरी सून विद मोर कूल स्टफ। टिल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।